अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ लोकल एनेस्थेटिक्स, यानी कि वो ड्रग जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक एरिया से लेकर हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी नर्व ट्रांसमिशन जो है या सेंसरी नर्व सप्लाई है उसको ब्लॉक कर देती है। और लोकल एनेस्थेटिक्स ये काम किस तरह से करती हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर हमारे लोकल एरिया ऑफ बॉडी तक के दरमियान जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनमें डीपोलराइजेशन इनहिबिट कर देती है या उनमें डीपोलराइजेशन नहीं होने देती। अब जब लोकल एरिया ऑफ बॉडी की बात होती है, डेट इज़ अ स्पेसिफिक टर्म कि बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट पर या बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया पर ही सेंसरी नर्व सप्लाई जो है या सेंसेशन जो है या क्यूटेनियस सप्लाई है, हर तरह की सेंसेशन उसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी पे इनहिबिट की जाएंगी बाय लोकल एनेस्थेटिक्स, पूरी बॉडी पर नहीं। और सिर्फ बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पर ही सेंसरी नर्व सप्लाई, सेंसेशन, पेन, प्रेशर और इस तरह की सेंसेशंस जो हैं वो इनहिबिट कर दी जाएंगी। लोकल एनेस्थेटिक्स आर सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव्स और इनकी क्लासिफिकेशन क्या किस बुनियाद पर होती है? बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो सारी ड्रग्स बिलोंगिंग टू द लोकल एनेस्थेटिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ईस्टर लिंकेज इन देम आर क्लासिफाइड अंडर ईस्टर्स ग्रुप। वाइल वो सारी की सारी ड्रग इंक्लूडेड इन लोकल एनेस्थेटिक्स विच कंसिस्ट ऑफ अमाइड लिंकेज इन देम आर क्लासिफाइड अंडर अमाइड ग्रुप्स। और जो दूसरा पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कुछ ईस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है बॉडी पे वो ज़्यादा देर के लिए होता है, सो दे आर लॉन्ग एक्टिंग एंड इंक्लूड टेट्राकिन। जबकि कुछ ईस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी पे इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सो दीज आर शॉर्ट एक्टिंग एंड इंक्लूड प्रोकिन। और कुछ ये जो होते हैं ईस्टर्स इंक्लूडेड इन लोकल एनेस्थेटिक्स, वो अपने इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि वो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं स्किन पे ताकि वो उस स्पेसिफिक एरिया पे अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो उसमें आते हैं बेंजोकीन एंड कोकीन। इसी तरह वो एमाइड्स जो ज़्यादा देर के लिए हमारी बॉडी पे एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर सकते हैं, दैट आर लॉन्ग एक्टिंग एंड इट इंक्लूड ब्यूपिवकिन्स एंड प्रोपिवकिन्स। जबकि कुछ एमाइड्स का मीडियम एक्शन होते हैं, दैट आर इंक्लूडिंग लिडोकीन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फार्माकोकाइनेटिक्स, वी वुड डिस्कस अबाउट कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो किस तरह से बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं, किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं और फिर इनकी एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट हैज़ टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या IV रूट के थ्रू या टॉपिकली अप्लाई की जाती है ये ऑन स्किन। जो शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं लाइक प्रोकेन, दीज आर गिवन बाय IV रूट, इंट्रावीनस रूट के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं थ्रू इंट्रावीनस रूट। एक प्रॉब्लम है कि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, इनका तो एनेस्थेटिक इफेक्ट बॉडी पे बहुत कम देर के लिए होगा, तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना जो इनका एनेस्थेटिक थोड़ा सा इफेक्ट बॉडी पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दे। तो उस पर्पज़ के लिए वी के वैजो कंस्ट्रिक्टर्स लाइक अल्फा एगोनिस्ट। वी हैव लर्न कि अल्फा एगोनिस्ट जो होते हैं या सिम्पेटोमाइमेटिक्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। अब ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाना क्यों ज़रूरी है? कि वी हैव लर्न कि अगर एक जगह वैसो डायलेशन होगी तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड सप्लाई अगर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड का फ्लो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ से ड्रग्स क्विकली वॉश आउट होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर एक बॉडी के पार्ट पे वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे हम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई रिलेटिवली लिमिटेड हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो उस एरिया पे लिमिटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉशिंग आउट ऑफ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कम हो जाएगी और ड्रग जो उसी जगह पे ठहर जाएगी। उस वजह से फिर लोकल शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स जो है उनका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है ऑन आर बॉडी। लेकिन कोकेन इसमें एक्सेप्शन है। क्यों?
बिकॉज कोकेन जो है वो सिंपथेटिक इफेक्ट खुद से इंड्यूस करवा सकती है, खुद से सिंपथेटोमिमेटिक इफेक्ट इंड्यूस करवा सकती है। तो कोकेन को अपने साथ किसी और सिंपथेटोमिमेटिक या अल्फा एगोनिस्ट की ज़रूरत नहीं है जो वैसो कंस्ट्रक्शन करवाए। किस तरह से कि वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द न्यूरो ट्रांसमिशन अक्रॉस द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, और उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उनके प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर्स लोकेटेड होते हैं, अपटेक ट्रांसपोर्टर्स, कि उनका क्या फंक्शन होता है कि वो नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, इस तरह के जो सिंपथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको साइनेप्टिक क्लेफ्ट में से निकाल के वापस न्यूरॉन के अंदर भेजते हैं, अपटेक करवाते हैं ऑफ दी सिंपथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स इन फ्रॉम साइनेप्टिक क्लेफ्ट टूअर्ड्स द एक्सोप्लाज्म ऑफ सिंपथेटिक न्यूरॉन्स, द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। तो उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कोकेन जो है वो इस तरह की अपटेकर्स का इनहिबिटर होता है। तो कोकेन क्या करता है कि इस तरह के अपटेकर्स को इनहिबिट करवा देते हैं ताकि नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, बीन का अपटेक ना हो सके फ्रॉम द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, फ्रॉम दिस सच टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक टाइप्स ऑफ अपटेकर्स। ठीक है, क्या होता है पर ये सिंपथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद ज़्यादा सिंपथेटिक इफेक्ट इंड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से कोकेन को अपने साथ किसी और तरह के वैसो कंस्ट्रिक्टर या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब जो लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो तो वैसे ही लॉन्ग एक्टिंग के ज़्यादा देर तक एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उनमें तो किसी तरह की सिंपथेटोमिमेटिक की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास एनेस्थेटिक्स होते हैं जो अपना इफेक्ट इंड्यूस कर सकते हैं ऑन आर बॉडी व्हेन दे आर टॉपिकली अप्लाइड ऑन आर स्किन। उसमें क्या आते हैं, बेंजोकीन एंड कोकीन। अब यहाँ पे जो बेंजोकीन और कोकीन जो है ना, ये इसलिए सर्फेस ड्रग्स में इंक्लूडेड हैं क्योंकि सिर्फ यही ड्रग्स हैं जो टॉपिकली अप्लाई करके अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि लिडोकीन और टेट्राकीन ये सर्फेस पर भी अप्लाई कर सकते, टॉपिकली अगर हम इनको सर्फिस पे अप्लाई करें तब भी अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर देंगे, और अगर आईवी रूट के थ्रू दिया जाए तब भी अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, तो वो सारी लोकल एनेस्थेटिक्स जो ईस्टर्स में इंक्लूडेड थी उनको मेटाबोलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत है जो ईस्टर लिंकेज को ब्रेक कर सके, तो वो कौन से, कोलीन ईस्टरेसिस या स्यूडोकोलीन ईस्टरेसिस। अब जो शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स होगी लाइक प्रोकीन, दे वुड बी रेडिली हाइड्रोलाइज या मेटाबोलाइज बाय दिस एंजाइम। कोकेन रिलेटिवली कम मेटाबोलाइज होगी इस एंजाइम से, और जो टेट्रागेन है ना वो सबसे ज़्यादा कम हाइड्रोलाइज होगी बाय ईस्टरेसिस, एंड फॉर दिस पर्पस टेट्राकेन की हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। जबकि वो तरह के लोकल एनेस्थेटिक्स विच कंसिस्ट ऑफ अमाइड लिंकेज इन डैम, दीज आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय साइटोक्रोम P450। अब जाहिर सी बात है इसमें भी हमने दो ड्रग्स पढ़ी थी कि वो जो लॉन्ग एक्टिंग है लाइक बुपिवकीन एंड रोपिवकीन, फाइन, वो तो लीवर में कम मेटाबोलाइज होंगी और उसकी वजह से उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। लाइक बुपिवकीन की 3.5 आवर्स है हाफ लाइफ, जबकि रोपिवकीन की 4.2 आवर्स है हाफ लाइफ। जबकि कुछ हमारे जो थे उनका वो मीडियम एक्टिंग थी, मीडियम ड्यूरेशन के लिए था उनका एक्शन, लाइक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स से कम और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स से ज़्यादा। उसमें थे लिडोकीन्स एंड दीज आर रिलेटिवली मोर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, और इसी वजह से उनका हाफ लाइफ जो है कम होती, डेट इज़ 1.5 आवर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एलिमिनेशन, तो उसकी एलिमिनेशन किस तरह से होगी। एज़ वी नो के लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं ये सारी की सारी वीक बेसिस होती हैं, अगर ये वीक बेसिस होती हैं तो दे वुड लेस रेडिली एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और हर बेस को ना अपनी आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स को भी अगर बॉडी से रिमूव करना है तो पहले उनको आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है,
और किस तरह से आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। लेकिन ये तो वीक बेसिस हैं, तो इनको प्रोटॉन में एक्सेप्ट करवाने के लिए और आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डू एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन के। फॉर एग्जांपल एक वीक बेस है, वो तो आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आसानी से अपनी आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, फाइन। तो अगर उसके इर्द गिर्द जो है अगर कोई अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद होगा, अच्छा एसिड हम किसे कहते हैं, डेट इज़ द गुड प्रोटॉन डोनर, तो रेडिली प्रोटॉन डोनेट करेगा और वीक एसिड भी आसानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकेगी, आसानी आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगी। अब ये बात भी हमने पढ़ी थी कि जो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हुई हुई ड्रग्स हैं वो बॉडी में तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बाय लेयर, फाइन। और अगर वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, दे वुड नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो आसानी यूरिन में रिमूव हो सकेगी। सो अगर वीक एसिड्स को, वीक बेसिस को या हम के लोकल एनेस्थेटिक्स को बॉडी से रिमूव करवाना है, तो एक ही तरीका, डेट इज एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।